बारात में संगीत कार्यक्रम में मनपसंद गाना बजाने के मामले में स्थानीय युवाओं ने बारात में जमकर बवाल काटा। ईंट पत्थर और लाठी डंडों से पिटाई के साथ साथ 6 राउंड फायरिंग किए जाने का आरोप लग रहा है। आरोप गरखा थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासियों पर लगा है। रहमपुर निवासी हरेश्वर मांझी ने बताया कि उनकी पुत्री की शादी थी, जिसमें बारातियों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा भी मंगवाया था। बारात जब उनके घर पहुंची और बाराती ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे, तभी नारायणपुर गांव के लोग वहां आ गए और ऑर्केस्ट्रा में फरमाइशी गीत बजाने का दबाव डालने लगे। फरमाइश पूरी करते करते उन लोगों ने बारातियों के साथ बकझक करना शुरू किया और मारपीट कर फरार हो गए। सुबह दुल्हन की विदाई के समय 2 दर्जनों की संख्या में रड, लाठी डंडे और कारतूस हथियार से लैस दबंगों ने हमला कर दिया और जमकर पत्थरबाजी करते हुए जो मिला उसको जमकर पीट दिया। घटना की सूचना मिलने पर गरखा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को लेकर पीड़ित पक्ष से पूछताछ किया। उधर दूसरी तरफ घायल लोगों को इलाज के लिए PHC गरखा ले जाया गया है। घर में ढुक करके बक्सा लुटिया, दुसाह चमार कह करके बोला कि दुसाह चमार का ऐसा इतना मन बढ़ गया है। वहाँ पे देखिए और इतना सब रोड़ा इतना ने चलाया है सब, और फायरिंग भी की है। फायरिंग लोहा। क्या नाम है आपका? हमारा कृष्णा भाई नाम। कहाँ कहाँ चोट लगा है? में लोग गहना चढ़ने आ रहा था, रास्ता में घेर करके गहना का पेटी छीन लिया लोग, और कुछ आदमी थप्पड़ थोड़ा किया, और ये सवेरे फिर उस समय शांत हो गया था, आदमी चुपचाप रह गया कि सुबह देखा जाएगा, थाना पर रिपोर्ट किया जाएगा। और अभी सुबह में आ करके पूरा कहूँगा कि 100 के तादाद में लोग आया है और यहाँ पत्थर रोड़ा चलाने लगा। ये जो लगा हुआ था लोहा का वो भी चलाया, कपार पर मार दिया, कपार पर। कौन लोग था? ये टोला पर के कम से कम 40-50 आदमी था उसमें, नाम तो पूरा मालूम नहीं है। 500 लोग से कम नहीं था, और जबरदस्ती हुए कपार पर मार दिया, गोली चलाया, 4-5 को कट्टा लेके आया था और गोली चलाया, कहूंगा कि 10-15 को फायर किया है। जाति के हैं ये लोग, बार बार कोई भी फिनिशिंग होता है तो हमारे उद्योग में आकर के ये लोग अत्याचार करता है, और मतलब बाल बच्चे के साथ झंझट वगैरह करता रहता है। और जैसे कि शादी ब्याह में आए लड़की का हमारा था, वो लड़की के शादी ब्याह में आया था यहाँ पर, जब से पूरा उसको जेवर वेवर लेकर के बक्सा उक्सा लेकर के एक लोग भाग गया, और जब से यहाँ पर ये करने के बाद में पत्थर और लाठी और डंडा और ऐसी गोली पिस्तौल चला रहा था। मामला क्या है, किस लिए हुआ है? इसलिए कि नाच दरवाजा पर बाई जी आया था, नाच रहा था, उसके लेकर के हो गया रहेगा, हो गया रहेगा, कोई लेकर के प्रबंधक खड़ा किया, यही सब कहे गाना हमारा गाँव गाना गाओ। प्रशासन आपके पास पहुंची है कि नहीं? प्रशासन हमारे पास अभी पहुंची है। क्या करिए प्रशासन इसमें? प्रशासन से ये अभी एक कर रहा है, इंक्वायरी एक कर रहा है और इसको एक कर रहा है। क्या नाम है आपका? हरे कृष्ण राम।